प्रदेश के महोबा जनपद पहुँचे कायस्थ समाज के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी चित्रगुप्त भगवान के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें कि चित्रगुप्त भगवान का यह पहला मंदिर है जिसे जनप्रतिनिधि सुलभ सक्सेना द्वारा बनवाया गया। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कायस्थ समाज प्रदेश अध्यक्ष ने सुलभ सक्सेना की हौसला अफजाई करते हुए इसे सराहनीय और स्वागत योग्य कदम बताया। नवबारा समाचार महोबा से ऋतुराज राजावत। ये चित्रगुप्त मंदिर जो हम लोगों ने बनवाया है, इसका संकल्प हमने आज से 3 वर्ष पूर्व लिया था। उसके उपरांत हम दोनों भाइयों ने इसको निर्माण कराया। सारे समाज का योगदान रहा, सभी लोगों ने मेहनत की है इसमें। और चित्रगुप्त जी महाराज हमारे आराध्य देव हैं। उनका महोबा में एक भी मंदिर नहीं था, हमारे आसपास क्षेत्र में था, तो उसी मंदिर की आज हम लोग प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो 12 तारीख से 18 तारीख तक के लिए संपन्न है, उसी के उसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी रोहित सक्सेना जी को निमंत्रण दिया गया कि हमारे इस कार्यक्रम में आप भी शरीक हों। तो उन्होंने जो है पूरे अपने साथी गणों के साथ महोबा के लिए प्रस्थान किया। आज ये हमारे यहाँ मंदिर में आए, इन्होंने आशीर्वाद लिए चित्रगुप्त जी महाराज का, बहुत बहुत इनका धन्यवाद। आज प्रभु श्री चित्रगुप्त भगवान जी के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसके लिए हम समस्त कायस्थ परिवार जो उत्तर प्रदेश में कार्यरत है अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के रूप में, हम सारे लोग यहाँ आए हैं प्रभु का आशीर्वाद। पूर्ण मंदिर का जो भी प्रावधान किया गया है, जो भी इसका इनिशिएटिव लिया गया है, ये हमारे जिला के सुलभ जी जो हैं उनके द्वारा लिया गया है। और सुलभ जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं जिले में, और ये हमेशा कायस्थों के लिए खड़े रहे। कायस्थ ही नहीं, सब समाज के लिए जब भी कोई इनके पास गया है।